जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि हमारा वाक्य होते उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, बट इसमें समय भी दिया होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं देखिए इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए होते हैं और इसमें क्या समय दिया होता है, समय दिया होता है। जैसे कि देखिए हम स्ट्रक्चर की संरचना के द्वारा समझते हैं, देखिए इसकी जो संरचना है उसके द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा, उसके बाद इसमें सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम लिखेंगे सिंस या फॉर, उसके बाद हम जो हमें समय दिया होता है वो लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, तो क्या है राम सुबह से टहल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो से शब्द दिया होता है से शब्द अवश्य वाक्य में दिया होता है, तो से के लिए हम सिंस या फोर लिखते हैं। अब बात है कि सिंस या फोर कब लगाते हैं, सिंस कब लगाते हैं, फोर कब लगाते हैं, वो देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय, तो देखिए जो हमारा टाइम पक्का होता है यानी जो जान लीजिए आप कि जो समय पक्का हो वो निश्चित समय होता है और जो समय कच्चा हो अनिश्चित समय। अब देखिए पक्का और कच्चा होता है कि देखिए सिंस कब लगाते हैं, निश्चित समय यानी दिनों से पहले, जैसे कि देखिए मंडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आदि दिनों से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि कोई सन दिया हो जैसे कि 1998 1971 सन दिया हो सन से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टर्डे या टुडे से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि दिया हो चाइल्डहुड यानी बचपन, ठीक है, उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर का प्रयोग कब, ये हो गया यदि, और देखिए मॉर्निंग दिया हो मॉर्निंग
मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, ठीक है, इससे पहले सिंस का प्रयोग। अब फोर का प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए टू डैश, अब देखिए लिखा है टू डैश यानी दो दिन, तो अभी दिन हमारा निश्चित नहीं कि कौन सा दिन, मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई दिन निश्चित नहीं, इसीलिए फोर का प्रयोग करेंगे। टू आवर, टू ही हो सकता है गिनती में जो दिन हो, दिन या आवर यानी घंटा, तो फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बाकी के साथ फोर का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, राम सुबह से टहरा, तो ये हमारा अफर्मेटिव टेंस ही है। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट हमारा है राम। अब देखिए एक बात और देख लेते हैं कि हैज बीन का प्रयोग कब करते हैं, हैव बीन का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए अगर हमारा फर्स्ट पर्सन में कोई वस्तु है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि आई और वी, तो उसके लिए हम, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सेम फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है, तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकेंड पर्सन यानी कि यू, योर है, तो उसके लिए भी हैव का ही प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन, यदि थर्ड पर्सन में कोई चीज़ है, थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट, तो अदर शब्दों के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा है कि राम सुबह से टहल रहा है, तो सब्जेक्ट है राम। अब राम किसी का नेम है यानी फर्स्ट थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में क्या होता है कि ही सी इट या किसी का नेम हो, ठीक है। तो किसी का नेम है यानी राम किसी का नाम है, तो राम, इसके लिए हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अब क्रिया हमारी है टहलना, तो टहलना यानी वॉक, और इसमें हम क्या जोड़ते हैं आईएनजी, तो वॉकिंग, वॉकिंग, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर सिंस या फोर, अब देखिए सुबह निश्चित समय है, इसीलिए सिंस और प्लस टाइम, टाइम कौन सा है, सुबह का समय, तो सिंस मॉर्निंग, तो ये हुआ हमारा सेंटेंस। अब बात करते हैं निगेटिव, देखिए तो निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गए, अब देखते हैं निगेटिव क्या है, इसे मैं इरेज की देता हूँ। अब देखिए निगेटिव संरचना ही बना देता हूँ। निगेटिव में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव बीन, ठीक, और हैज बीन या हैव बीन के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक है। तो हमारा निगेटिव हुआ, और क्या करते हैं कि हैज या हैव बीन के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होती है कि इसमें जो क्या शब्द दिया होता है वाक्य के पहले दिया होता है, क्या शब्द जो है वाक्य के पहले दिया होता है, तो उसके लिए हम हैज या हैव का प्रयोग पहले करते हैं, ठीक है, हैज या हैव का प्रयोग पहले करते हैं। फिर हम करते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग, और इसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर
टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव हुआ, और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कब क्या कहाँ कौन क्यों वाक्य के बीच में दिया तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, बाद में मैं इरेज के देता हूँ। देखिए मैं इसे इरेज के देता हूँ, अब आगे बताता कुछ देख लेते हैं सेंटेंस। क्या है, बे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा है बे यानी कि दे, अब दे बहुवचन में प्लूरल है तो इसके लिए हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन, दे हैव बीन। क्रिया हमारी है खेलना यानी प्ले, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग दी फुटबॉल। अब कितने बजे से खेल रहे हैं, 2 बजे से, यानी 2 बजे अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं, फोर टू ओ क्लॉक, ठीक, लास्ट में टाइम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या हम 3 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा है हम, तो वी, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में है इसीलिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब हैव के यदि नहीं शब्द दिया है तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग, तो दे हैव नॉट बीन डूइंग अपना काम, तो वी के साथ अपना के लिए आवर, डूइंग आवर वर्क अपना काम, कितने बजे से, 3 घंटे से, तो 3 घंटा अनिश्चित समय है इसीलिए फोर थ्री ओ क्लॉक, थ्री ओ क्लॉक, ये हुआ। अब एक इंट्रोगेटिव का देख लेता हूँ, देखिए सीता 1971 से चाय क्यों पी रही है, तो इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया यानी क्यों, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, तो वाई, उसके बाद सीता को देखते हैं एक वचन है बहु, सीता किसी का नेम है इसीलिए हैज का प्रयोग, सीता हैज, सॉरी वाई हैज, अब सब्जेक्ट लिखते हैं वाई हैज सीता, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, वाई है सीता बीन, फिर क्रिया है पीना यानी ड्रिंक, और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं ड्रिंकिंग दी टी। अब देखिए 1971 एक निश्चित समय है इसीलिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 1971 और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आज हमारा डे 6 था, और कल शुरुआत होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।